हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यु आई एस एवेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे अभ्यास 2.0 में हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेशन सेशन सल, चल रहे हैं उसमें हम स्टूडेंट्स हमारा फिजिक्स कवर करेंगे राइट आई होप कि ये सेशंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे राइट फॉर योर प्रेलिम्स एग्जामिनेशन तो आज हम जनरल साइंस में फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे इससे पहले स्टूडेंट हमने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री हमारा ओवर किया है जिसमें हमने बेसिक्स यू नो कॉन्सेप्ट को समझा विद दी हेल्प ऑफ एम सी क्यू एम सी क्यू की हेल्प से हमने उन सब कॉन्सेप्ट को समझा टॉपिक्स को भी कवर किया आई विल ट्राई कि मैंने अपना जितने भी हमारे बेसिक यू नो टॉपिक्स हैं मैंने उन सबको कवर किए उन एम सी क्यू के थ्रू राइट तो आप उनको भी देख सकते हैं स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बट बिफोर दैट सी हर स्टूडेंट हरियाणा जे के टेस्ट सीरीज यहाँ पे यू you नो know, हमने अवेलेबल करवाई है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें आपको भी पता है स्टूडेंट की हरियाणा जे के अंदर डेली हमारा हर बार जो जो भी हमारा प्रीलिम्स होता है उसके अंदर टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं 500 हंड्रेड एम सी आते हैं ये अवेलेबल है रुपीज ओनली फोर हंड्रेड के अंदर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है राइट right? तो आप इन टेस्ट सीरीज को अवेलेबल आ, अवेल कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा एच सी टेस्ट सीरीज़ फॉर जी एंड सी के लिए जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो रहेंगे हमारे ट्वेंटी सिक्स कम्प्लीट जर्नल स्टडी के जो टेस्ट रहेंगे दैट इज़ फोर एंड कम्प्लीट सी के जो टेस्ट रहेंगे वो भी हमारे फोर रहेंगे एंड रिमेनिंग ऑल आर सेक्शनल टेस्ट फॉर जी एंड जर्नल स्टडीज़ तो ये भी स्टूडेंट अवेलेबल है इस टाइम पे तो आप आ, इसको अवेल कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यू नो दैट कि टेस्ट सीरीज़ का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है जब आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट तो उसमें आपको बहुत सारा यू नो आपके वीक एरियाज़ यू नो आपको पता चलते हैं आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है आपका एक फोकस बनता है राइट एम सी को किस तरीके से यू नो टैकल करना है अगर थोड़ा यू you नो know, आप uh, आप समझते हो स्टूडेंट एम सी क्यू को राइट right? कि एम सी क्यू को किस तरीके से एग्जामिनर सेट कर रहे उसके चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने सेट किए हैं और किस तरीके से यू you नो know, उसको एलिमिनेट करना है आपको ये पता चलता है कि मैच द फॉलोइंग किस तरीके से करना है असर्शन रीजन के क्वेश्चन किस तरीके से करके लेके जाने हैं राइट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से करने हैं राइट right? तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका जो टेस्ट uh, सीरीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ठीक है जी ठीक है तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट तो फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है और फिर आंसर देना है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरू किया है स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा ये यू you नो know, ये हमारा फर्स्ट सेशन है फॉर द फिजिक्स ठीक है तो स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट एम सी क्यू पहला एम सी क्यू जो है वो हमारी फिजिक्स के बिल्कुल बेसिक जो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है वहीं से मैंने पहला क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे तो आपके सामने स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़िए चारों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हाँ जी तो बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा इसका जल्दी से आंसर कीजिए स्टूडेंट ठीक है ठीक है जी ठीक है जी। तो डिस्टेंस डिस्टेंस पे क्वेश्चन तो है स्टूडेंट की व्हाट इज डिस्टेंस देखिए पहला स्टेटमेंट कहता था टोटल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट कोई एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट ए उसने वो यहां से चला और इस तरीके से चलते चलते वो बी पॉइंट पे पहुंच गया ठीक है तो वो टोटल जो पाथ उसने कवर किया उसकी लेंथ कवर की उसको हम डिस्टेंस कहते हैं फिर बी कहता है कहता है ए द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ये इसकी फाइनल पोजीशन है इनके बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है स्ट्रेट मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन खींच दें हम उसको हम डिस्टेंस कहेंगे फिर सी ऑब्जेक्ट कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम कहता है डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट की उसको हम डिवाइड करते हैं टाइम से तब हमारी डिस्टेंस निकलती है डी में कहता है द तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कहता है कि डी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टी के साथ तब हमारी जो है स्पीड सॉरी स्पीड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टी के साथ तो हमारी क्या निकलेगी यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगी ये उसने उसने ऑप्शन में पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, है स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है स्टूडेंट हमारा वन वन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्यों बनेगा स्टूडेंट सी हियर स्टूडेंट अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो दो यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट एक होती है हमारी डिस्टेंस और दूसरी होती है स्टूडेंट हमारी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में हम सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं पहले देखते हैं डिस्टेंस तो डिस्टेंस मान लो ये है हमारा कोई पॉइंट ए फॉर एग्जाम्पल आप अभिमन्यु आई के अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट और आप जो है वो चंडीगढ़ के फिफ्टीन सेक्टर में रहते ठीक है तो जब आप फिफ्टीन सेक्टर से चले ठीक है तो फिफ्टीन सेक्टर से हो सकता है कि आप जो है वो कई सेक्टर्स को क्रॉस करके आए और ये भी हो सकता है कि आप शॉर्टकट पाथ यू you नो know, आप पार्क से होते हुए आए तो मतलब आपका पाथ जो है वो कोई भी हो सकता है इस तरीके का पाथ भी हो सकता है आप एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर में से जाते हुए इस तरीके से आप अभी मेन्यू पहुंचे तो आपका यू you नो know, जो आपने चूज किया है जिस पाथ को ठीक है वो उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है स्टूडेंट ठीक है तो इसी चीज को जितनी भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की फॉर एग्जाम्पल यहां से आप चल के इस तरीके का रास्ता आपने जब फॉलो किया तो आप फिफ्टीन किलोमीटर डिस्टेंस किया इस तरीके से आप 10 किलोमीटर में ही आ गए तो यहां पे आपकी डिस्टेंस जो होगी वो 15 किलोमीटर होगी और यहां पे आपकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर मानी जाएगी ठीक है ओके सो so, हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए है स्टूडेंट एंड uh, एक बात और याद रखिए डिस्टेंस इज अवर स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है हमारी यहाँ पे हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि आप कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं ठीक है तो डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को मैं यू you नो know, हम वो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे बता नहीं सकते कि वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं ठीक है so तो दिस इज वी कॉल्ड डिस्टेंस तो जहाँ पे हम डायरेक्शन को ना बता सके उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं ठीक है जी ओके okay, क्लियर आपको ठीक है जी तो सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट पढ़िए सेकेंड क्वेश्चन को क्या है ये कहता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है फिजिक्स के अंदर ये पूछा है उसने तो पहला देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया है नेक्स्ट जो हमारे थ्री टू फोर सेशंस रहेंगे फिजिक्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे अपना थोड़ा सा लेवल भी जो है वो High करते जाएंगे क्वेश्चन का ठीक है तो बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया सो so दैट जो भी स्टूडेंट अगर कोई बेसिक से भी अगर वो पढ़ रहा है अभी तक उसने फिजिक्स का कोई नहीं पढ़ा तो भी स्टूडेंट उसको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए फिजिक्स के इन कॉन्सेप्ट को ठीक है जी तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की वट इज डिस्प्लेसमेंट तो पहला कहता था टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिर कहता था स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन फिर कहता था स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम फिर कहता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन हाँ जी तो आंसर कीजिए स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन का आप ठीक है जी तो आंसर कीजिए स्टूडेंट हमारा तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा डी द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ठीक है पाथ लेंथ का मतलब होता है स्टूडेंट कि उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की ठीक है जो भी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है थीके? तो जब उसकी पोजिशन चेंज होती है ए से मान लो वो ए से चला और फिर वो पहुंचा बी में बी में गया यहाँ पर वो पहुंचा तो जो उसका चेंज हुआ इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस है जो यहाँ पे डिफरेंस है स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ठीक है जो यहां पे चेंज आया स्टूडेंट उनकी पोजिशन में सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन करेक्ट है हाँ जी कोई डाउट स्टूडेंट यहाँ पे आपको नहीं है तो चलो आगे चलते हैं हाँ जी थ्री थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है स्टूडेंट क्या है ठीक है जी कौन सी स्टेटमेंट सही है ठीक है तो अभी देखिए पढ़ते हैं कहता है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बी कहता है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस सी कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल टी तो कहता तो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पाथ टेकन हाँ जी तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है स्टूडेंट आप पढ़िए हाँ जी बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट ट्रू है ये बताना है आपको बताओ फटाफट बताओ बच्चे हाँ जी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो कहता है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हो सकता वो कम ज्यादा भी तो हो सकती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है डिस्प्लेसमेंट कहता ग्रेटर होगी ऑलवेज ग्रेटर होगी नहीं ऐसा नहीं होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल नहीं इक्वल भी नहीं होंगे तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा कहता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी इक्वल और डिफरेंट डिपेंड ऑन द पाथ लेंथ ठीक है कौन सा आपने पाथ लिया मान लो कोई पॉइंट ए पर्सन है वो बी पे गया तो यहां पे जो उसने पाथ यहाँ पे ये जो पाथ उसने लिया मान लो इसी रोड से गया ठीक है बी तक जाने के लिए तो यहां पे क्या है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है आप ये बोल ही नहीं सकते किसमें वन सेकेंड डिस्टेंस और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट वो दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है बराबर इक्वल है ठीक है और वो अलग अलग भी हो सकते हैं मान लो कोई पॉइंट ए से चला कोई पर्सन ए से चला उसने ये पाथ फॉलो किया बी तक आने में यह उसके क्या है डिस्टेंस है मान लो वो यहां से पॉइंट से चला और वो डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ लेके पहुंचा तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो गया यहाँ पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है कंपेयर टू डिस्टेंस तो डिफरेंट भी हो सकती है और वो आपकी क्या हो सकती है इक्वल भी हो सकती है क्लियर है आपको ये बात इक्वल समझ में आई आपको तो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन समझ में आई अच्छा और एक चीज समझिए स्टूडेंट जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट दैट इज अवर स्केलर क्वांटिटी दैट इज अवर स्केलर क्वांटिटी वो क्या रहती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट स्केल सॉरी 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 सो दैट इज अवर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज अवर वैक्टर क्वान्टिटी क्यों क्योंकि इसमें स्टूडेंट आपको डायरेक्शन का पता होता है कि कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट है वेस्ट है नॉर्थ है साउथ है ठीक है जी इसमें आपको यहाँ पे आपको डायरेक्शन का पता होता है तो ये आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी तो जहां पे आपको डायरेक्शन का पता हो दैट इज अवर वेक्टर क्वांटिटी और जहां पे आपको आ, आ, डायरेक्शन का ना पता हो दैट इज अवर स्केलर क्वांटिटी इज इट क्लियर येस और नो तो यहाँ पे डायरेक्शन का पता होता है फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए है उसने शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया तो आपको पता होगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है बट अगर वो इस तरीके से जिग जग पाथ कवर करते कोई भी पाथ कवर करते आ रहा है तो अब आपको नहीं पता होगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है या वो कौन सी डायरेक्शन ले रहा है ठीक है बट यहां पे आपको पता है ठीक है उसका इनिशियल एंड फाइनल फीस ठीक है जी तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन का पता होता है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आपको डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन का नहीं पता होता हाँ जी तो नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन उसी पे है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी कहता है इनमें से कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट जो स्केलर क्वांटिटी है स्केलर इन नेचर है ये पूछा उसने तो पहला ऑप्शन कहता है डिस्टेंस दूसरा कहता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सलेशन अब आप बताइए मुझे इनमें से कौन सा है जो आपका यू नो स्केलर क्वांटिटी है स्केलर इन नेचर है वेक्टर नहीं है स्केलर इन नेचर है ये पूछा उसने हां जी फटाफट बताओ बच्चे टाइम नहीं है बताओ सो दैट इज अवर अब तो पता ही होगा इसका आंसर डी डिस्प्ले डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी बाकी सारी क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज यहां पे हमें डायरेक्शन का पता होता है ठीक है जी ओके ठीक है जी ओके okay, बच्चा आगे चलते हैं हां जी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है ये पूछा उसने है ना तो कौन सी है इसमें से वेक्टर क्वांटिटी बताओ दैट इज अवर दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वी नो द डायरेक्शन राइट डिस्टेंस नहीं है स्पीड का भी स्पीड मान लो आप अपनी गाड़ी के मैं आपसे कहूँ कि आपकी गाड़ी जो है वो थर्टी uh, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है लेकिन किस डायरेक्शन में यू डोंट नो है ना सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी ठीक है ओके okay. ठीक है जी तो सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता और यहाँ पे दो बार क्वेश्चन लिखा गया कोई बात नहीं ठीक है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ कहता कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है ठीक है एंड रिटर्न टू इट स्टार्टिंग पॉइंट वो जैसे मान लो वो ए पॉइंट से चला यहां से ए पॉइंट से चला और वो सर्कल में घूम के वापस से बी में आ गया वट कैन वी say अबाउट इट्स डिसप्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या था हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं ये उसने क्वेश्चन पुट किया है आंसर करिए बच्चे इसका आंसर कीजिए चारों स्टेटमेंट आपके सामने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है ये मैंने आपको बता दिया ठीक है दोनों ही क्वेश्चन जो इसकी डेफिनेशन है वो हमने पहले दोनों क्वेश्चन में डेफिनेशन ही देखी थी फिर मैंने आपको स्केलर और वेक्टर भी बता दिया अब आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं हां जी बताइए हां जी बताइए अच्छा पहला कहता कहता द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड द डिस्टेंस इज आल्सो जीरो सेकंड कहता द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द जीरो द डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो एंड द डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन द जीरो द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर दैन द जीरो बट द डिस्टेंस इज जीरो बताइए क्या स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होगी तो स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होगी बच्चे बी बी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होगी वाई देखिए द डिस्प्लेसमेंट इज जीरोसली बच्चे डिसप्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द किसमें फाइनल फाइनल फेज एंड अवर इनिशिय इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट uh, के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं यहाँ पे क्या है आप यहाँ इस पॉइंट से चले और आप घूमकर उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो आप यहां पे ए पॉइंट से चले और आप ए पे ही आ गए तो यहाँ पे कोई डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में नहीं जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चे जीरो हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चे जीरो होगी आपकी आपके यहाँ पे इज इट क्लियर ये और नो बट डिस्टेंस यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती कभी भी बिकॉज आपने एक पाथ लेकर आपने कुछ यू you नो know, आपने एक पाथ लेंथ कवर की है बच्ची उसको हम डिस्टेंस कहते हैं तो पाथ लेंथ तो आपने कवर की है सो दैट्स वाई यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपका ग्रेटर देन क्या होगा जीरो होगा वो तो आपका ग्रेटर देन जीरो ही होगा आपका कौन सा डिस्टेंस इज देट क्लियर ये और क्लियर है तो बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्लियर है हां जी डन है ठीक है जी तो आगे चलते हैं हां जी तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे पढ़िए सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे पढ़िए ये जो आप क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हो ना ये हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रीड किया था हमने क्लास में चैप्टर रीड किया था बच्चे यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये वहीं से क्वेश्चन है ठीक है जी यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने जो चैप्टर पढ़ा था ये वहीं से क्वेश्चन है ठीक है ओके तो ठीक आंसर कीजिए बच्चे इसका हाँ जी आंसर कीजिए हाँ जी तो देखिए सेवंथ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी डिस्टेंस की होगी डिस्प्लेसमेंट की, की होगी और दोनों की जीरो हो सकती है बोथ बोथ की नेगेटिव हो सकती है देखिए ओनली डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव नहीं ऐसा नहीं है ठीक है ओनली डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव हाँ बिल्कुल आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकती है स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत आप क्या कर सकते हो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो और अगर आप पीछे की तरफ वापस बैकवर्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो देन इट मे बी नेगेटिव सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव नहीं ये पॉसिबल नहीं है दोनों नहीं नहीं ये भी गलत है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी नेगेटिव हो सकती है स्टूडेंट डेफिनेटली ठीक है इफ यू आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड यू कैन सेट अप ए कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर सकते हो जिसमें आप अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो इट मीन्स यू आर इन पॉजिटिव और इफ यू आर मूविंग बैकवर्ड देन इट इज नेगेटिव सो इफ यू आर मूविंग बैकवर्ड

डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का आपको ऐसा यूनिट बताना है बच्चे हाँ जी बताइए हां जी एथ नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो वो होगा आपका मीटर ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप एक लेंथ फॉलो कर रहे हो ना स्टूडेंट आप एक लेंथ लेंथ का ऐसा यूनिट भी क्या होता है मीटर ही होता है और यहाँ पे भी आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है आप एक पाथ लेंथ कवर कर रहे हो ना बच्चे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको पाथ लेंथ कवर करो इट मीनस इट मीन दोनों का ऐसा SI यूनिट क्या होगा मीटर ही होगा ठीक है पाथ लेंथ आप कुछ तो आप यू you नो know, एक एक आप पाथ तो फॉलो कर ही रहे हो स्टूडेंट ठीक है सो दैट्स वाई दोनों का जो ऐसा SI यूनिट है दैट इज अवर मीटर जी तो नेक्स्ट एट नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए ऐसा यूनिट्स में से हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे समझ लिया जी ठीक है उसमें से कोई एमसीक्यू आ जाए मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे ठीक है तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट हां जी कहता मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेटेड इज इक्वल टू व्हाट अगर मैं किसी बॉडी का मास अगर मैं किसी बॉडी का मास और उसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे एक्सेलरेशन अगर मैं मास और एक्सेलरेशन दोनों को अगर मैं मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वट फॉर्मूला पूछा स्टूडेंट आपसे जी बताइए तो क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ा था हमने पानी तो क्या पढ़ा था एफ फोर्स करेक्ट ऑप्शन बनेगा फोर्स तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है स्टूडेंट न्यूटन का सेकंड लॉ है स्टूडेंट न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं बताओ कोई बता सकता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या चीज है तो क्या चीज है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन सेज दैट क्या कहता है फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू वट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम चेंज इन द मोमेंटम चेंज इन द मोमेंटम मतलब कि जब आपका मोमेंटम चेंज करते हो आप ठीक है एक मोमेंटम क्या चीज होती है किसी बॉडी का इफेक्ट स्टूडेंट ठीक है किसी बॉडी का इफेक्ट इफेक्ट हम एक तरीके का सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं तो चेंज इन द मोमेंटम पर पर चेंज इन द टाइम ठीक है अच्छा बट आपका मास तो कांस्टेंट ही रहेगा स्टूडेंट ठीक है फोर्स इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन सो दैट वाई आंसर इज अवर ए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास यहाँ पे ए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है किसी चीज की किसी चीज की फोर्स जो है वो दो चीज पे डिपेंड करती है पहला उसका मास और दूसरा एक्सेलरेशन इसके मैंने आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल दिए थे बच्चे अगर आपको याद हो तो क्या कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा जो है अगर वो नीचे आ रहा है बट उसकी स्पीड बहुत कम है वो स्लोली ग्रेजुअली वो नीचे तरफ आता है बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है क्यों क्योंकि उसमें फोर्स बहुत ज्यादा है किसकी वजह से उसकी मास की वजह से क्योंकि दोनों चीजें फोर्स जो है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करती है मास पे भी और आपकी एक्सेलरेशन पे भी है ना अगर किसी चीज के अंदर मास ज्यादा है तो उसके अंदर फोर्स बहुत ज्यादा वो बहुत फोर्स एक्जर्ट करेगी आपके ऊपर अगर भारी सी चीज अगर आपके ऊपर हल्की बहुत स्लो स्पीड से भी अगर आपके ऊपर गिरे तब भी आपके ऊपर बहुत बड़ा इंपेक्ट होता है और सेकंड चीज मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक्सलरेशन का दैट इज अवर बुलेट जब आप गन के अंदर से बुलेट फायर करते हो स्टूडेंट तो बुलेट कितनी होती है उसका जो मास होता है वो कितना ही होता है स्टूडेंट आई थिंक सो फाइव ग्राम थ्री ग्राम इतना ही मास होता है उसका बट आप उसकी वो देखिए फोर्स कितनी ज़्यादा होती है उसके अंदर एक बुलेट की वजह से एक पर्सन की जान जा सकती है वही बुलेट जो है वो अगर मैं गन में ना डाल के आपकी तरफ वैसे फेंकू ऐसे करके आपकी तरफ ऐसे बुलेट फेंक दू ऐसे करके क्या आपको चोट लगेगी आपको फील भी नहीं होगा और वही जब मैं गन के अंदर उसको पुट करके है ना तब मैं आपकी तरफ शूट करती हूँ तो वही बुलेट आपकी जान ले सकती है वाई ड्यू टू इट्स एक्सलेशन है ना ड्यू टू इट्स एक्सल्रेशन क्योंकि उसकी एक्सल्रेशन बहुत ज्यादा है किसकी जो गन से निकली हुई बुलेट है वो इतनी स्पीड से आपकी तरफ आएगी स्टूडेंट कि जब वो आपकी बॉडी को क्रॉस करेगी तो आपकी बॉडी को क्रॉस कर जाएगी ठीक है जस्ट लाइक योर ब्रेन मान लो आपने यहाँ पे अगर किसी पर्सन को शूट किया तो वो एकदम से आपके ब्रेन के अंदर से निकल जाएगी इसकी वजह से इतना इरिवर्सिबल डैमेज होगा आपके ब्रेन के अंदर कि आपकी डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट राइट सो दैट्स वाई स्टूडेंट जो फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है मास के ऊपर भी और एक्सेलरेशन के ऊपर भी किसी चीज की एक्सेलरेशन ज्यादा है तो भी वो फोर्स एग्जर्ट करेगी और अगर उसका मास ज्यादा है तो भी वो फोर्स एग्जर्ट करेगी और अगर दोनों चीजें हैं तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रक है और एक गाड़ी है दोनों दोनों स्पीड से आ रही हैं ठीक है तो आप मुझे बताओ किसका फोर्स ज्यादा होगा किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा आपके ऊपर तो देट इज अवर ट्रक ट्रक का पे ज्यादा होगा ट्रक का इम्पैक्ट ज्यादा होगा ना क्यों क्योंकि उसमें फोर्स में उसमें क्या है मास भी है और एक्सेलरेशन भी है दोनों चीजें हैं बट जो हमारी गाड़ी है उसका मास कम है बट उसकी एक्सेलरेशन तो उतनी ही है, है ना मान लो दोनों की जो है आपका एक्सेलरेशन बराबर है वो भी दस किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है वो भी दस किलोमीटर की स्पीड से आ रही है गाड़ी तो दोनों का इम्पेक्ट क्या बराबर होगा नहीं ठीक है क्योंकि यहाँ पे मास वेरी करता है गाड़ी का जो मास है वो कम है कंपेयर टू ट्रक ठीक है ओके जी तो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको दिस इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ओके बच्चा नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन की हाँ जी टेंथ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एवरी एक्शन, एक्शन एवरी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन स्टेटेड इन व्हाट? हर एक एक्शन जो है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कॉज करता है ये कौन सा लॉ है तो आप बताइए मुझे कौन सा लॉ है भाई बताओ तो ये है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ मोशन थर्ड जिसमें न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसका मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिया था मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो है अगर कभी ये आप एक पत्थर है उसके ऊपर ये कील है स्टूडेंट ठीक है ये कोई नेल है जब आप उसके ऊपर पैर रखते हैं ठीक है देखो है तो छोटी सी ने, नेल ठीक है नेल बहुत छोटा है आपका है ना तो जो कील है वो बहुत छोटी है और अगर उसके ऊपर जब आप पैर रखती हो तो आपके पैर में क्या होता है हर्ट होता है आपका पैर में दर, मतलब आपके पैर के अंदर वो कील क्या हो जाती है चुप जाती है ना क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि जितना ज्यादा आप कील के ऊपर जोर लगाते हैं फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स वो आपकी आपकी एंकल के ऊपर फीट के ऊपर वो भी लगाएगा तो जितना फोर्स आप जमीन पे लगाते हैं उल्टा लैंड भी जो जमीन है हमारी वो भी आपके पैर के ऊपर फोर्स लगाती है ये बात समझ में आई तो किसी चीज के ऊपर अगर आप आ, यू नो आप फोर्स लगाते हैं ठीक है तो वो भी आपके ऊपर इक्वल एंड अपोज यू नो उतना ही अपोजिट एंड इक्वल फोर्स आपके ऊपर लगता है ठीक है मैंने क्लास में इसका एग्जाम्पल भी दिया था एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने बच्चों को ठीक है तो जितना आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कील जो है वो मुझे नेल यहाँ पे लगानी है वॉल के अंदर जब मैं इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती हूँ तो जितना फोर्स मैं इसके ऊपर एग्जर्ट करती हूँ उतना फोर्स ये मेरे हैंड के ऊपर भी एग्जर्ट करता है ठीक है जी ओके करेक्ट है आपको ये समझ में आया आपको दिस इज आवर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्लियर है स्टूडेंट ओके

जूल है बच्चे ये बात क्लियर है आपको यस और नो ठीक है जी तो ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन पर कहता था स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन व्हाट स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी व्हेन इट इज पुल्ड आउट व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बोथ ए एंड बी नीदर ए नीदर बी बताइए पोटेंशियल एनर्जी कब ज्यादा होगी दोनों केसेस में होगी एक मान लो आपके पास स्प्रिंग अगर उसको आप पूरा अच्छे से ताकत लगाकर खींच लो अब उसके अंदर मैक्सिमम क्या होगी उसका पोटेंशियल होगा जब उसको छोड़ोगे तब उसके अंदर वो आपको उतना ही इम्पैक्ट शो करेगा मान लो एक स्प्रिंग को आपने इस तरीके से कंप्रेस कर लिया ठीक है अच्छे से कंप्रेस कर लिया तो जब आप उसको रिलीज करोगे तब भी वो फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ही ठीक है तो दोनों केसेस में उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक तरीके की स्टोर एनर्जी अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ क्या मेरे अंदर एनर्जी है बिल्कुल है किस फॉर्म में है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर है बट जैसी मैं बोलना शुरू करूंगी मैं एक्ट करना शुरू करूंगी मैं भागना शुरू करूंगी तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी किस में कैनेटिक एनर्जी में इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको जैसे कि आपके अंदर मैं बहुत बार बोलती हूँ यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल स्टूडेंट्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है पोटेंशियल का मतलब कि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है आपके अंदर बहुत सारा आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा है राइट बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप यू नो स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं आप जितनी चाहो आप उतनी नॉलेज ले सकते हैं इसका मतलब क्या है आपके अंदर पोटेंशियल है बस आप उसको चैनलाइज नहीं कर रहे राइट ज़रूरत है कि उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए उस एनर्जी को कि जो एनर्जी आप पूरा दिन फालतू के कामों में यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं किसी बॉय गर्ल के पीछे वेस्ट करते हैं किसी और चीज के पीछे वेस्ट करते हैं क्यों ना उसको वेस्ट वहाँ वेस्ट करने की बजाय अपने ऊपर वेस्ट किया जाए अपने ऊपर वेस्ट वेस्ट करने का मतलब कि खुद से कुछ किया जाए पढ़ा जाए कुछ लिखा जाए यू नो अपनी एनर्जी को आप चैनलाइज करो सो so दैट आपकी लाइफ बेटर बन सके यस सुनो क्लियर आपको ये बात तो दोनों ही चीज़ों के केस में आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग के अंदर ठीक है जी ओके थर्टीन नंबर क्वेश्चन पढ़िए कहता था एनर्जी प्रोजेस्ट बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज व्हाट कहता था जो एनर्जी जो इस तरीके से एक पेंडुलम जो होता है वो आपने देखा होगा इस तरीके से क्या करता रहता है मूव करता है, है ना इस तरीके से इस तरीके से पेंडुलम जो हमारा घूमता रहता है ठीक है इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है एनर्जी उसके अंदर जो पोजेस्ट है वो कौन सी है बताइए तो कौन सी एनर्जी है बताइए उसके अंदर तो दोनों एनर्जी है उसके पास पोटेंशियल भी और कैनेटिक भी आपको भी पता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी उसके पास कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल और कैनेटिक देखो अगर पेंडुलम यहाँ पे खड़ा हुआ इस टाइम पे स्टेबल है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल जब वो इधर जाता है तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है कैनेटिक एनर्जी बट जब वो इस पॉइंट पे जाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेते हैं गेन कर लेते वापस से जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ से जो वो डिस्टेंस कवर करेगा तब उसकी जो एनर्जी चैनलाइज हो रही होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैनेटिक एनर्जी बट जब वो यहाँ पे एक डिस्टेंस पे आ जाता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट ड्यू टू सम हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज़ को उठा के यहाँ पे अगर मैं एक हाइट पर लेके चली जाऊँ तो इसके अंदर जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं इसको उठा के लेके गई तो इसके अंदर कौन सी आ एनर्जी आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो जब मैं इसको छोड़ूंगी रिलीज कर दूंगी छोड़ नहीं सकती मैं इसको सॉरी तो जब मैं इसको छोड़ दूंगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी चैनलाइज हो जाएगी कानेटिक एनर्जी के अंदर एंड कैनाइटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी तो उस पेंडुलम के अंदर कौन सी एनर्जी है हमारी कौन सी एनर्जी है बच्चे मैकेनिकल एनर्जी ओके जी तो ठीक है स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे हम करते हैं ओवर ठीक है रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे फिजिक्स का जो बाकी क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज चलेंगे हम स्टूडेंट तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर ठीक है जी ओके जी ठीक है स्टूडेंट अभी हम मैं सेशन कर रही हूँ ओवर थैंक यू थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे